नारायण पहुंच गए हम भाई, सुबह की नौकरी करवाते हैं। ओए ओए तमीज कर रहे इसको देखो मोती जी, मोती जी हेलो। हाँ जी पब्लिक, ये देखो रोता हुआ बच्चों मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, की हाल चाल, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग, कुछ भी समझ लो यार। लाइव स्ट्रीम से होगी या छुट्टी, जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम से बताया हुआ था कि अभी हम किसी ट्रिप पे जाएंगे अक्टूबर में, तो प्लान तो काफ़ी पहले का किया हुआ था लेकिन अभी आज जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम से जब तक वापस आते तब तक फुल छुट्टी, ठीक है। कोशिश करेंगे कि व्लॉग डालें, टूटा फूटा अनप्रोफेशनल जैसा भी बना डाल देंगे व्लॉग। अभी सीन ये है कि अभी तो बज रहे हैं 4, ठीक है, 4 बज रहे हैं और हमने रात को निकलना है। फिलहाल तो मैं बाहर आया हूँ थोड़ी सी अपनी हालत सही करने, थोड़ा यू नो डेंटिंग पेंडिंग करवाने, यहाँ से फ्री होके फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे का प्लान। अभी वो टेक्ट्रॉन लोगों ने भी आना है मेरी तरफ, या शायद मैं लेने जाऊँ, अभी मसले बड़े चल रहे हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। पब्लिक सीन कुछ ऐसा है कि रेडी हो गए, चेक कर लो, और मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी इस्लामाबाद में ना काफ़ी एहतजाज वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से रास्ते सारे ही बंद हैं। तो अभी 8 बज गए रात के और अभी तक मैं अकेला ही हूँ, मतलब वो टेक्ट्रॉन और शहीद लोगों ने जो आना है ना वो फंसे हुए हैं, क्योंकि रवात कलर सीधा से उन्होंने आना है और रवात पे रास्ता बंद है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रवात तक, वो वहाँ से आ रहे हैं और देखते हैं, दुआ करना कि मिल जाएं, क्योंकि सिग्नल भी बंद है तो कोई रबता नहीं होगा। तो देखते हैं फिर आगे इनको पिक करते हैं, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। अब मसला ये आ रहा है कि रास्ते बहुत ज़्यादा बंद हैं, मतलब हर एंट्रेंस एग्ज़िट वाला रास्ता बंद है, तो समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से पिंडी से बाहर निकलेंगे ना। तो क्योंकि पैदल निकलना हो बंदा निकल जाता है, लेकिन या बाइक पे भी निकल जाता है, पर हमने गाड़ी निकालनी है। तो देखते हैं जाते हैं आगे, पहले इनको पिक करता हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कौन से रास्ते से निकलना है, कौन सा रास्ता खुला होगा, फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं, फिर आगे आपको अपडेट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर। तो पब्लिक सीन ये है कि इधर आ गया हूँ मैं इनका वेट करने, जहाँ से रास्ता बंद है और सिग्नल नहीं है, मेरे पास भी उनके पास भी सिग्नल नहीं है, तो कोई रबता नहीं हो सकता। उसने मुझे टेक्ट्रॉन ने कहा था कि उधर रुक जाना, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे उतरेंगे गाड़ी से जहाँ पे रास्ता बंद है और यहाँ पे क्रॉस करके आएंगे। तो आप देखते हैं, अगर तो ना मिले तो बड़ी ख्वारी हो जानी है, लेकिन अभी इधर ही गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करता हूँ। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर देना पब्लिक, और कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना कि क्या बेहतर हो सकता है इसमें। और 200K भी होने वाले हैं हमारे, वो भी हमने जल्दी से करने हैं, तो जब तक लाइव स्ट्रीम नहीं होगी ये 6-7 दिन, तब तक व्लॉग डालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं। तो ये लोग आते हैं तो फिर मैं आपको मिलवाता हूँ। फाइनली पब्लिक ये लोग पहुँच गए हैं, इनसे मिलते हैं उतर के, सामान इन्होंने पीछे रख दिया है, तो इनसे मिलते हैं उतर के और आप भी मिलवाते हैं कि कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हाय 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 हाय, कौन हो भाई आप? इधर आओ यार, मेरे पास आओ, एक बार मिलो मेरे से, इधर आओ। क्या बात, क्या बात, भूख लगी है यार। और नाम भी कैसे आया? अच्छा इधर आना, ये वो बंदा है जिसको गालियां देने का दिल कर रहा है, जलील करने का दिल कर रहा है, सुन तो सही, पूरी बात सुन ले। इसने इतना लेट करवाया, इतना लेट करवाया यार, देखो इसका कोई हिसाब नहीं है, इतना तैयार लड़कियां भी नहीं होती। मैं उठा ही लेट हूँ तो फिर इसलिए मेरे लवली लगा। अभी मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिलाओ। चलो कुछ तरीका है भीख मांगने का। चलो सही है पब्लिक, आगे चलते हैं, फिर आगे की खाने के लिए रुकते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जैसा कि आप मुझे जानते हो, हाउ टेक्ट्रॉन, आपका अपना हाउ टेक्ट्रॉन, मैं खोखर हाँ। अभी हम जा रहे हैं बड़े दूर, बट रास्ता नहीं मिल रहा, खवार हो रहे हैं, कभी किधर कभी किधर, पिंडी से निकलने ही नहीं दे रहे हमें। ए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे।
अभी भूख भी बड़ी लगी है, रात को खाया था, सुबह खाए बगैर सो गया। खाना मिलेगा पिंडी से बाहर निकल, इससे मैं बोल रहा हूँ मेरे को खिला दे कुछ, खिला दे, बट ये मेरे को कुछ नहीं खिला रहा। मैं कहा जो ले जी ले दे, कहते नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं पिशावर, कौन से पिशावर रोड, इधर से कोई रास्ता ढूंढते हैं, देखते हैं मिलता है तो फिर आगे जाएंगे, नहीं तो ट्रिप कैंसिल है, यहाँ तक ब्लॉग आएगा बस। अल्लाह समझ गया। हाँ तो पब्लिक ये सीन है इधर, चेक करो गुंडागर्दी, चेक करो गुंडागर्दी, सुराख किए गए हैं रोड पे, मोटर वे पे। क्या हम निकल पाएंगे? जा पूछ क्या। 2000 years later, ये सूरत हाल है पब्लिक, रश ही रश है। अभी तक हम पिंडी से बाहर नहीं निकल सके, 12 बज गए, तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी रास्ते से निकल जाएं। अभी हम ये मोटरवे पे, पेशावर मोटरवे पे फंसे हुए हैं। फाइनली पब्लिक हम लोग निकल आए रश से, सारी रुकावटें फुटपाथों पे भी चढ़ा दी गाड़ी, कहीं ना कहीं से निकाल के ना हम पेशावर मोटरवे पे चढ़ गए। अब हम बगैर ब्रेक लगाए फुल स्पीड में निकलेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आगे। अब रोशनी होगी तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये अंधेरे में तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। तो टाइम हो रहा है 1:01 हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो आगे आप लोगों को ना रोशनी में जाके अपडेट करते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक, जैसा कि अभी क्लिप देखे आपने कि सुबह हो गई है, ठीक है, रोशनी में आ गए हम लोग, नरान के रास्ते पे हैं। रात को सारा सफ़र किया है, रात को कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दी जल्दी सफ़र किया है कि सुबह रोशनी में हम पहुंच जाएं। तो अभी भी नरान रहते हैं तकरीबन 60-70 किलोमीटर, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रा हेलो हाय कर लें, गुड मॉर्निंग कर लें, इनको समझाओ अभी तो सफ़र शुरू हुआ है और ये लोग सोने सोने की बातें कर रहे हैं, नींद आ रही है, सोना है सोना है, हमें तो झटके लगा लिए। हाँ ये कभी शहीद सो रहा है, कभी कोई सो रहा है यार, अभी तो 15 घंटे का सफ़र रहता है, पागल वागल हुए हैं ये, आज तो बढ़ जाएंगे ये, भूल जाएंगे कि आइंदा हम कहीं आएंगे। होए 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 होए, नारान पहुंच गए हम भाई, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम अभी एंटर हो रहे हैं नारान में, ठीक है। तो काफ़ी हमने नींद में सफ़र किया है लंबा, ये हम लोग हैं, ये चेक करो और वीडियो बनाने सब फ्रेश। और यार गाड़ी फंस गई है यार, तो ये अभी हम नारान पहुंच गए, अब यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता, कुछ पेट पूजा होगी और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। आज हमने बड़ा लंबा सफर करना है, हमने गिलगित तक जाना है डायरेक्ट, गिलगित तक जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो अभी हमारा तकरीबन पता नहीं काफी घंटे का सफर रहता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लो जी पब्लिक, मजा आ गया, हवाएं चेंज हो गई है, पहाड़ों में आ गए हम लोग और बता नहीं सकता कि क्या चस आ रही है ना। और अभी तो आगे बहुत कुछ देखना है हमने और आप लोगों को भी दिखाना है इंशाल्लाह। इधर चलते हैं। हाँ भाई टेक्रॉन साहब जी, क्या हाल है, कैसे हो? ये बताओगे अभी तक का सफ़र कैसा रहा? बस चस आ गई, नींद में हो तुम तो? नींद में हूँ बट मज़ा आ रहा है यार। अभी बेटा का माहौल है, चारों तरफ 10 घंटे भी और सफ़र करना है, ऊपर पहाड़ियों पर बर्फ, आए हाय हाय हाय। इधर शेर साहब, ये हमारे टीएमजी शेर, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। एक बात का दुख है यार, ये सोने नहीं देता यार, सोने यार, देखो यार, देखो पहले इतना बंदा दूर आए, ठीक है, इतना दूर आए एंजॉय करने और ये गाड़ी में सो रहे हो, गालियां देने का दिल करता है इनको। मैं पता क्या करता हूँ, ये जब सोता है ना, मैंने पहले टाइम दिया थोड़ा आधा घंटा सोने का, उसके बाद जब ये बार बार सो रहा था, आज थोड़ी देर बाद जाए कोना लगा के सो जाता है, तो फिर मैं ना शीशा खोल देता था, शीशा खोल के ना उधर से लॉक कर देता था, बंद नहीं ये कर सकता था, तो फिर ठंडी हवाएं लगती थी, फिर इसको उठना पड़ता था। देख मैं को लीडर हूँ यार, तू को लीडर है तो मैं क्या करूँ, को लीडर हूँ मैं ग्लैन का, मैं क्या करूँ, को लीडर है तो उठा दूँ। हाँ भाई तुझे भी उठा दिया है ना किसी ने, इसको भी उठा दूँ, मुझे किसने उठाया है, तू मेंबर हो, मेंबर चल बो। एक ये भाई भी हैं, गुमसुम से भाई हैं हमारे, गुमसुम रहते हैं यार, कुछ बोलते नहीं है भाई आप यार, बोलेंगे ना आगे जाके। ये भाई
झूठ बोल रहे हैं ये बोलते बोलते कैमरे में नहीं बोल रहे ये चुप ही नहीं कर रहे गाड़ी में लेकिन ये कैमरे में नहीं बोल रहे तो ये सीना पब्लिक नाश्ता करने लगे हम ठीक है नाश्ता आ रहा है हमारा इधर नारायण में बस नाश्ता करेंगे एटीएम यूज करना है उसके बाद हम आगे बाबूसर की तरफ वो भी तो सुना ना हाँ एक और सीन हमारे साथ हुआ है ना कि हमने कैश नहीं निकलवाया हम पहले पिंडी से निकलने में लगे हुए थे कि कोई रास्ता मिल जाए जहाँ से हम पिंडी से निकल जाए ना क्योंकि हर जगह रोले थे बंद थे रास्ते तो हमने कैश नहीं निकलवाया और आगे जहाँ मोटरवे पे आया एटीएम वो भी खराब आगे भी कहीं नहीं मिला हम बड़े ओके टूल टैक्स दे के कैश भी नहीं है हमारे पास अभी इधर भी हम कैश के बगैर बैठे हुए नाश्ते के लिए अभी वो कह रहे हैं 9 बजे बैंक खुलेगा फिर एटीएम खुलेगा कोई पता नहीं क्या पता बर्तन धोने पड़े वो उसका मसला नहीं है वो हम इसको बिठा देंगे ना ये हमारे पास ये बर्तन छत्तन धोएगा ये काम कर लेता है ना घर पे भी करवाते हैं इससे मेरे साथ बदतमीजी करेगा पीछे बैठ के जाएगा डाले में पूरा सफर आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां दिल का दरिया अच्छा तो पब्लिक नारायण से हम लोग निकल गए थे ठीक है अभी हम बाबूसर के लिए निकल गए और रास्ते में और यहाँ से जो सीन्स शुरू हो गए ना वो मैं आपको दिखाता हूँ आप चेक करो बस ये अब बाबूसर तक हम चढ़ाई चढ़ेंगे सारी उसके बाद बाबूसर थोड़ी देर रुकेंगे कोई वीडियोस बनाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे I'm gonna make it.
खड़ा है हमारा डाला और आप लोग बस व्यू चेक करो, मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये डाला है, ये सारा व्यू है। और ये है लुलुसर लेक। चेक करो, यार इस तरह की ना बहुत सारी जगह आनी है इस तरह की। पता नहीं अभी कितना लंबा हो जाएगा आपको अगर सारी चीजें दिखाता रहूंगा। टेक्ट्रॉन इधर आ, टेक्ट्रॉन से एक बात पूछते हैं। अब सीन ये है कि हम चार बंदे हैं, ठीक है, हम चार में से ना दो बंदे आए हुए पहले यहाँ पे, मैं और ये जो टेक्ट्रॉन का भाई है, और ये टेक्ट्रॉन और शहीद ना ये लोग पहली दफा आ रहे हैं, तो इनका रिएक्शन लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है अभी इन व्यूज में आ गए। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, अच्छा आ रही है। पहले कभी देखी है तुमने ऐसी जगह? तो अभी आगे तेरा क्या हाल होगा कराक्रम हाईवे पे, देखते हैं ना। अभी शहीद से पूछते हैं, रुक जा, पहली दफा आ रहा है तू, पहली दफा तू आया है, पहली दफा तुमने देखा है, बता। देख मैं जिधर देखता हूँ ना, मुझे दिल करता है मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, इसकी वीडियो हर जगह का दिल करता है, मेमोरी खत्म हो जाएगी। किराए पे लिया है फोन मैंने, देखा तीन कैमरों वाला किराए पे लिया है मैंने। ये सीन है पब्लिक। तो भाई इधर वैसे ही हम पाँच मिनट के लिए रुके थे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो आप आगे जाते हैं आप बाबूसर पे, आपको फिर वहाँ पे कुछ वीडियोज बनाएंगे। ना पूछो यार, ना पूछो, बस देखो देखो क्या है, पूरा व्यू देखो। ये है बाबूसर टॉप, चस नहीं करवा रहा शहीद, बताओ शहीद के कोई लाद नहीं है यार, इनको तो ठंड ही लगी जा रही है। इसको देखो मोती जी, मोती जी हेलो। अबे मैंने तो देख कपड़े लगाए हुए पतले से, अबे मैंने पतले से कपड़े लगाए, देख ना टेक्ट्रॉन ने यार शक्ल दिखा, क्रुक हो गया क्या यार टेक्ट्रॉन ने। इधर आप बात तो सुनना यार, क्या कर रहा है यार तू, क्यों घूम रहा है? गाड़ी में जा रहा हूँ। गाड़ी में क्यों जा रहा है? मुती डर गया, कहता गीला करती है। अब सीन है ये है कि यार यहाँ पे भी हम ज्यादा देर नहीं रुक रहे क्योंकि हमने आगे गिलगित तक जाना है और वो भी काफी अभी लंबा सफर है, तो बस यही वीडियोस वगैरह व्लॉग का क्लिप बना के तो हम निकल रहे हैं आगे। आप देखते हैं गिलगित पहुंचेंगे और रात को उधर स्टे करेंगे, तो तब तक ये व्लॉग ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, दिल का दरिया नहीं गया इश्क के बाबू सर से। तो हम आ गए थे वहाँ ठंड थी और यहाँ पे गर्मी है शदीद। ये हम काराक्रम हाईवे पर चढ़ गए, रोड तो बहुत मज़े का है लेकिन यहाँ पे गर्मी बड़ी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। सरगम सरगम तेरे।
ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नहीं सोया मेरे साथ जाग रहा है, वरना वो दोनों तो आउट, फुल आउट। इलेक्ट्रॉना भी मरने वाला हुआ है, पर क्या करें, हमने पहुंचना है। पहला दिन तो हमें पारी काटनी है। अभी हम जाएंगे गिलगित, देखेंगे अगर गिलगित टाइम से पहुंच गए तो फिर हम हमजा की तरफ आगे तक जाएंगे। अगर गिलगित हम लेट पहुंचे तो फिर हम गिलगित ही रुकेंगे, ये हम वहां डिसाइड करेंगे। हाँ जी पब्लिक, ये देखो रोता हुआ बच्चा मेरे साथ। सीन ये है कि बहुत अलर्ट टाइट है, बहुत नींद आई है हमें। ठीक है, मार दिया इसने, मार दिया। अभी हम थोड़ी देर रुके हैं कि चाय पी लेते हैं, तुम चले जाओ यार। हाँ ये कर लो पहले, थोड़ी नींद उड़े। ठीक है, यहाँ मंजियाँ पड़ी थी, मंजियों पे लेट गए, आगे चाय पी के फिर गिल के तुम्हारा भी घंटे का रास्ता रह गया। अबे जा बे, मुझे अपने घर जाना है यार। ये क्या बने यार, ये क्या डेड बंदा मैं अपने साथ ले आया, मरीज मैं अपने साथ ले आया हूँ। ये मोती मरीज, एक वो है हिंदी सीरी, सोया रहता है गाड़ी में, सोया रहता है। ये तो दोनों लाशें सोई हुई थी पीछे। यार ये बच्चा किसका खो गया? हेलो सर। हेलो हेलो, इधर मुड़ो यार। हेलो, डोंट डिस्टर्ब, आई एम ईटिंग द चाय। ओह सॉरी, ड्रिंकिंग। पब्लिक सीन ही है कि गिलगित पहुंचते हैं, फिर वहाँ की स्टे करेंगे, खाना शाना खाएंगे, उसके बाद व्लॉग पहला तो हम ख़त्म करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये मैं आईफोन से नहीं बना रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन क्वालिटी का आप लोगों ने बताना है कि कैमरे की वीडियो की क्वालिटी कैसी है। बाकी चाय पीते हैं, पब्लिक चेक करो। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर तीन माउंटेन रेंजेस एक साथ आके मिलती हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सी पहाड़ी है, लेकिन बस इधर आके मैं लिखा मुझे आ जाऊं।